हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइज, अगर आप भी प्रमोशनल ईमेल से परेशान हो और जो आपका जो जीमेल है वो फुल हो चुका है, जैसे कि हम जानते हैं जीमेल में हमको 15 GB फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है गूगल की तरफ से, तो ऐसे केस में गाइज अगर आपके पास हजारों में ईमेल्स पड़े हैं और आपके भी किसी काम के नहीं है, उसमें आपके कुछ काम्स के होते हैं और कुछ काम्स के नहीं होते, ज़्यादातर उसमें काम्स के नहीं होते। अगर आप किसी वेबसाइट पे विजिट करते हो, वहाँ पर अगर आप उसको सब्सक्राइब कर देते हो, तो ऐसे केस में क्या होता है गाइज, वहाँ उस वेबसाइट से हमको बार बार ईमेल्स आने लगते हैं, स्पैम ईमेल्स आने लगते हैं, प्रमोशनल ईमेल्स आने लगते हैं और एडवर्टीजमेंट ईमेल्स आने लगते हैं वहाँ पर। इस केस में क्या होता है गाइस, जो हमारा जीमेल्स है वो फुल हो जाता है और हमको अपने जो हमारे यूज़फुल ईमेल्स हैं उन पर हमारा फोकस नहीं जा पाता और उनको हमको फिल्टर करके देखना पड़ता है, और उस केस में बहुत ज़्यादा हमारे जीमेल में ईमेल्स इकट्ठे हो जाते हैं और स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है। तो इनको गाइज आप कैसे डिलीट कर सकते हो एक साथ और कैसे आप उनको फिल्टर करके देख सकते हो, आज की इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हो। जी गाइज, आज के इस डेट में जीमेल हर कोई यूज करता है, तो उसके इसमें गाइज जीमेल बहुत ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और हमको डे बाय डे अपनी डेली लाइफ में उसको ओपन करना पड़ता है अपने जीमेल को। तो गाइज होता क्या है, वहां पर हमारा जीमेल हमारा जो यूजफुल ईमेल्स होती है उन पर हमारा फोकस नहीं जा पाता और वो हमको नहीं दिख पाते, जबकि जो प्रमोशनल ईमेल्स हैं वहाँ पर आपके इकट्ठे होने लगते हैं बहुत ज़्यादा, वहाँ पर क्वांटिटी में आपको बहुत ज़्यादा नंबर्स में आपको प्रमोशनल ईमेल्स देखने को मिलते हैं। तो चलिए गाइस वीडियो शुरू करते हैं और कैसे आप इनको एडजस्ट कर सकते हो, कैसे आप इनको मैनेज कर सकते हो और कैसे उनको आप डिलीट कर सकते हो एडवांस। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पर जैसे गाइस आप अपनी जीमेल्स ओपन करते हो तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा प्रमोशनल ईमेल्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि मैं यहाँ देख सकूँ किसी की भी ईमेल्स हो गाइस वो आपको यहाँ पर मिलेगा ज़रूर देखने को जब भी आप ओपन करोगे। जैसे यहाँ पर ये फ्लिपकार्ट से आता है और यहाँ पर बैंक से भी आने लगते हैं, HDFC बैंक से आ रहा है और पॉलिसी बाजार से। तो यहाँ पर गाइस जब भी आप इनको ओपन कर दो तो यहाँ पर आपको सबसे ऊपर अनसब्सक्राइब का ऑप्शन हर किसी में देखने को मिलेगा, हर एक ईमेल में आपको अनसब्सक्राइब का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो उस केस में गाइस आपको वन बाय वन इनको अनसब्सक्राइब करना पड़ता है अगर आप चाहते हो कि ये मुझको बार बार ईमेल्स ना भेजे। तो अगर आप इनको अनसब्सक्राइब कर देते हो तो गाइस आपको ये अब कभी भी ईमेल्स नहीं भेजेंगे, तो यहाँ पर आपको इस तरीके से इनको अनसब्सक्राइब करना पड़ता है गाइस बार बार आपने। और इसमें गाइस आपके पास ही थाउजेंड्स में पड़े हैं ईमेल्स, तो उनको कैसे आप डिलीट करोगे या उनको कैसे आप अनसब्सक्राइब करोगे ये भी एक चैलेंज है। यहाँ पर यू हैव सक्सेसफुली अनसब्सक्राइब फ्रॉम लिस्ट, अगर आपको सब्सक्राइब करना है क्लिक टू सब्सक्राइब क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो, तो ये अनसब्सक्राइब हो चुका है, अब आपको यहाँ पर ये ईमेल्स नहीं आएगा पॉलिसी बाजार की तरफ से। और गाइज आपको मैं कोई भी यहाँ पर ओपन करता हूँ तो गाइज देख सको अनसब्सक्राइब का ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो गाइज इस तरीके से आपने इसको अनसब्सक्राइब करना है, फिर आपको ये कभी भी ईमेल्स नहीं भेजेंगे। तो गाइज जैसे मेरे पास ये एशियन पेंट्स से बहुत ज़्यादा ईमेल्स आते हैं, अगर आप इनको सारे देखना चाहते हो कि एशियन पेंट्स में मुझको कितने ईमेल्स भेजे और एक साथ मैं उनको डिलीट कर पाऊँ, तो कैसे आप इनको एक साथ डिलीट कर सकते हो, सिंपली आपने यहाँ पर फिल्टर पर क्लिक करना है और यहाँ पर हैज द वर्ड्स पर क्लिक करना है एशियन पेंट्स, एशियन पेंट्स। तो जिसमें भी ये एशियन पेंट्स वर्ड्स इन्वॉल्व हो गए जिस भी ईमेल्स में, वो आपको यहाँ पर सारे ईमेल्स शो कर देगा। सर्च पे क्लिक करेगा तो यहाँ पर देख सकते हो गाइस जितने भी एशियन पेंट्स वाले हैं वो आपको यहाँ पर दिखा देगा जिन जिन में एशियन पेंट्स है। सिंपली आपने इनको सबको डिलीट करने के लिए यहाँ पर टिक करना है इसको और यहाँ पर डिलीट पर क्लिक कर देना, तो सारे ये डिलीट्स हो जाएंगे। एंड गाइज जैसे कि मैं यहाँ से ये जैसे कि MSME लोन्स की तरफ से मेरे को ईमेल आते हैं, तो सिंपली आपने फिल्टर पर क्लिक करना है हैज़ द वर्ड्स पर MSME loans, सर्च पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये सारे आपको दिखा देगा जितने भी आपके पास ये आए हैं। सिंपली आपने इनको टिक करना है और यहाँ डिलीट पे क्लिक करना है, तो ये सारे जितने भी ईमेल्स आए हैं MSME loans की तरफ से वो डिलीट कर देगा। जैसे गाइस ये मेरे पास आते हैं यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब की तरफ से, तो आपने सिंपली इनको अनसब्सक्राइब करना है या डिलीट करना है, तो सिंपली आपने यहाँ पर फिल्टर्स पे क्लिक करें, आप फिल्टर्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर jobvt.job पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर इसको सर्च करेंगे, तो यहाँ पर ये जितने भी ईमेल्स आएंगे jobvt.job की तरफ से वो आपको यहाँ पर शो कर देगा। सिंपली आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर इसको डिलीट कर देना है। बट गाइज डिलीट करने का मतलब यह है कि आपको ये बार बार भेजेगा जब तक आप इसको अनसब्सक्राइब नहीं करेंगे। तो
तो इसके लिए गाइज आपने इसको अनसब्सक्राइब करना होगा, और आपको मैंने बता दिया है कि आपने अनसब्सक्राइब कैसे करना है। जस्ट आपने उस पर जाना है और यहाँ पर अनसब्सक्राइब क्लिक करना है। तो यहाँ पर ये अनसब्सक्राइब पर क्लिक करके आप इसको अनसब्सक्राइब कर सकते हो, फिर ये आपको कभी भी नहीं भेजेगा ईमेल्स। तो आपको ऐसा फीचर्स नहीं मिलता कि आप एक ही बटन में सबको अनसब्सक्राइब कर सकोगे गाइज। हाँ, ये देख सकते हो कि अनसब्सक्राइब जिसमें है वो आपको दिख जाएगा। सिंपली आपने यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर अनसब्सक्राइब टाइप कर देना है और सर्च पे क्लिक करेगा तो यहाँ पर सारे जिसमें भी अनसब्सक्राइब है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। बट गाइज यहाँ पर आपको ये आपके जो ऑफिशियल्स हैं कुछ काम वाले हैं ईमेल से, उसमें भी आपको ये अनसब्सक्राइब दिखाएगा। और अगर आप चाहते हो कि मुझको डज नॉट हैव कि वो मुझको दिख जाए जिसमें अनसब्सक्राइब है, बट YouTube की तरफ से कुछ ईमेल्स होते हैं जो यूट्यूबर्स के लिए इंपॉर्टेंस होते हैं, या गूगल्स की तरफ से आते हैं कुछ, या अगर आपको किसी कंपनी की तरफ से आते हैं तो आप उस कंपनी का नाम लिख सकते हो यहाँ पर और सर्च में क्लिक करेगा तो गाइज ये आपको सारे वो दिखा देगा। बट जो आपने नीचे टाइप किया था डज नॉट हैव वाले वर्ड्स में, तो आपको वो ईमेल्स यहाँ पर नहीं दिखाएगा, ठीक है, वो रह जाएगा और बाकी के सारे दिखा देगा आपको। तो फिर आप इनको अनसब्सक्राइब कर सकते हो वन बाई वन। गाइज आपको अनसब्सक्राइब करने के लिए कि अनसब्सक्राइब का बटन मिल जाए यहाँ पर साइड में, उनको अनसब्सक्राइब करते चले जाए हमको। ऐसे बहुत सारी वेबसाइट है, थर्ड पार्टी वेबसाइट है गाइज जिनका आप यूज़ कर सकते हो। बट गाइज मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, आप अपना एक्सेस दें वहाँ पर, आप उन्हें आप अपने जी मेल अकाउंट का एक्सेस देना होगा और वो है थर्ड पार्टी है। तो ऐसे कैसे गाइज आपके जो जी मेल्स है वो आपके वो एक्सेस कर सकता है। तो मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप किसी थर्ड पार्टी का यूज़ करें ऐसे फीचर्स को यूज़ करने के लिए। तो ऐसे कैसे गाइज आपके बहुत इंपॉर्टेंट वहाँ पर ई मेल्स पड़े हैं तो वो आपका एक्सेस ले सकता है, और डेटा सिक्योरिटी वहाँ पर आपको इतनी नहीं मिलती है। अगर वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, पेड है, तो आप उसका यूज़ कर सकते हो गाइज, वो भी उसके रिव्यू देखकर। यहाँ पर गाइज आपने जितने भी डिलीट किए हैं ईमेल्स आपके ये सारे ट्रांस में चले जाते हैं ट्रांसबिन में। तो अब आपको यहाँ पर ये यहाँ से भी डिलीट करने पड़ते हैं। सिंपली आपने यहाँ पर क्लिक करना है और इनको डिलीट कर देना है। डिलीट फॉर ऑल पर क्लिक करेगा, इनको आपने सिंपली जितने आपको यहाँ पर ये लिस्ट में शो हो रहा है, ठीक है, ये आप यहाँ पर डिलीट कर सकते हो डिलीट फॉर एवर। एंड गाइज आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है सिलेक्ट ऑल 99 कन्वर्सेशन इन ट्रांस। अब ये 99 यहाँ पर आपको ये ऐसे पेज मिलते हैं, तो गाइज आपने इनको डिलीट करना होगा। तो ऐसे में गाइज आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, वहाँ पर आप क्लियर सिलेक्शंस पर क्लिक करेंगे तो गाइज जैसे आप इनको सबको बार बार सेलेक्ट कर रहे हो और ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा क्योंकि यहाँ पर ये पेज जो है वो 99 है, ठीक है। तो ऐसे में गाइज इनको सबको एम्प्टी करने के लिए एक साथ आप एम्प्टी कर सकते हो अपने बीन को। तो सिंपली आपने एम्प्टी ट्रांस नाउ पर क्लिक करना है, तो ये आपका जो ट्रांस है वो उसको एम्प्टी कर देगा। यहाँ देख सकते हो गाइज ये आपको शो कर देगा कि आप कितने स्पेस यूज़ कर रहे हो अपने जी मेल में, ठीक है। 1.45 GB यहाँ पर यूज़ हो रहा है 15 GB का, ठीक है। तो ये अभी बहुत कम है गाइज, अगर आपके में बहुत ज़्यादा ये शो करता है 10 GB 12 GB या फुल आपका हो चुका है, तो इस केस में गाइज आप इसका यूज़ कर सकते हो। आप इनको इस तरीके से डिलीट कर सकते हो और इस तरीके से आप प्रमोशनल्स ईमेल्स वगैरह को डिलीट कर सकते हो। यहाँ पर सिंपली आपने फिल्टर्स पर क्लिक करना है, यहाँ पर आप साइज़ देख सकते हो, साइज़ ग्रेटर देन लेस देन, यहाँ पर आप ठीक है कितना साइज आप कौन से ईमेल्स आप कस्टमाइज करके देख सकते हो। जैसे जिसका साइज 10 MB है उनको आप डिलीट करना चाहते हो, सर्च करना चाहते हो, तो सिंपली आपने सर्च पे क्लिक करना है। और जिनका साइज 10 MB है उनमें कुछ डॉक्यूमेंट्स है वो आपको यहाँ पर शो कर देते हैं, ठीक है। डेट के साथ देख सकते हो कि 3 days 1 week 6 month 1 year ओल्ड ईमेल्स आप चेक करना चाहते हो, यहाँ पर ओल्ड मेल्स जिनमें अटैचमेंट है वो सर्च करना चाहते हो, डोंट इंक्लूड चैट्स, ठीक है, अटैचमेंट वाले पे क्लिक करना है और सर्च पे क्लिक करेगा तो यहाँ पर सारे अटैचमेंट वाले आ जाएंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर कोई नहीं है फिलहाल, मैं 1 day मैंने यहाँ सेलेक्ट किया था गाइस, 1 year सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा जितने भी अटैचमेंट वाले हैं। इस तरीके से सारे ही अटैचमेंट वाले मेरे आ गए हैं और आपको यहाँ पर वही फीचर्स देखने को मिल जाएगा, इनबॉक्स, स्टार, स्नो, सेंड, ड्राफ्ट, इंपॉर्टेंट चैट्स, शेड्यूल्स, ऑल मेल्स, स्पैम, ठीक है, स्पैम वाले आपको इसमें स्पैम फोल्डर में मिल जाएंगे, ठीक। यहाँ पर गाइज आप लेबल्स भी क्रिएट कर सकते हो अनवांटेड, जैसे मैंने यहाँ पर अनवांटेड का लेबल क्रिएट किया है, तो गाइज आप यहाँ पर प्लेस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप इसका नाम लिखेंगे लेबल नेम, और यहाँ पर आप लेबल क्रिएट कर देंगे तो ठीक, यहाँ पर गाइज आप उनमें स्टोर कर सकते हो अपने ईमेल्स को।
यहाँ पर प्राइमरी प्रमोशन सोशल्स का आपको दिख जाएगा गाइज ऑप्शंस ऊपर, यहाँ सारे आपके प्रमोशंस वाले ईमेल्स आपको दिख जाएगा जितने भी प्रमोशनल्स है। यहाँ पर सोशल वाले में आपके सोशल मीडिया से जितने भी आए हैं यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, व्हाट्सएप से वगैरह से, तो वो आपको यहाँ पर सोशल्स वाले में दिखेंगे। प्राइमरी में आपके जो भी आपके प्राइमरी में भी आपके प्रमोशनल जो ईमेल्स है वो दिख जाते हैं। और यहाँ पर गाइज आप फिल्टर करके अपने जो ईमेल्स हैं उनको डिलीट कर सकते हैं, प्रमोशंस ईमेल्स, अनवांटेड ईमेल्स को यहाँ पर आप डिलीट कर सकते हो। यहाँ पर आप डिलीट प्रमोशनल ईमेल्स को आप यहाँ पर डिलीट कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल। अगर आपको कोई डाउट इस रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। इसी के साथ आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।